दिल्ली का, ठीक है जी। दिल्ली से पहले यहाँ इंद्रप्रस्थ हुआ करता था, अच्छा, पांडवों अच्छा। की राजधानी जी, जिसको इंडिया गेट के बगल में है जी, जिसको इंद्रप्रस्थ बोला करते थे, पांडव किला, ओल्ड फोर्ट, अच्छा अच्छा, इंद्रप्रस्थ था वो, यहाँ पे था इंडिया गेट के बिल्कुल बगल में, 5 मिनट का अच्छा वॉकिंग डिस्टेंस है चिड़ियाघर के बिल्कुल जी, बगल में। उसके बाद यहाँ पे जी तोमर डायनेस्टी रही है, राजपूत रहे हैं, अच्छा, अच्छा दिल्ली से अजमेर तक उनका रास्ता, अच्छा अकबर 1605 में वहीं आगरा में मर गए थे, अच्छा अच्छा 1556 से 1605 उन्होंने राज किया, 49 साल, 49 ईयर जी, और वहीं पे उनका अंतकाल हो गया जी, और वहीं पे उनको दफना दिया गया सिकंदरा में, अच्छा अच्छा सिकंदरा में उनको दफना दिया, यहाँ कभी नहीं आया आगरा, अच्छा नहीं। तो जैसे अभी भी लोगों का कुछ लोगों का ये मानना है कि ये शाहजहां ने नहीं बनवाया, ये बनवाया अनंगपाल तोमर द्वारा। देखिए तो हिस्टोरियन और आर्कियोलॉजिस्ट में फर्क है, अच्छा हिस्टोरियन बोलते हैं इसको, शाहजहां ने जब अपनी राजधानी बदली आगरा से दिल्ली, हाँ, वो दिल्ली आ गए 1638 13 मई को जी जी, तो 1638 में वो आए, हाँ, और पीछे एक सलीमगढ़ है, हाँ, हाँ, वहीं पे रहते थे, अच्छा इसको 9 साल 3 महीना लगा 1639 से, मैंने 1638 से 1649 तक आप देख लें, अच्छा, 9 साल 3 महीना लगा इसको बनाने में हिस्टोरियन के हिसाब से, अच्छा अच्छा अच्छा। और जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं वो बताते हैं कि यहाँ पुरानी बिल्डिंगें थी, अच्छा, और आनंदपाल तोमर के टाइम की जी जी, और उसको मॉडिफाइड किया गया, जैसे अच्छा, कुतुब मीनार को मॉडिफाइड किया गया, अच्छा हाँ, मतलब कि इसके दो पहलू हैं, अब आपको जौन सा अच्छा लगता है वो आप ले लें, वो आप ले लें जी, चलिए हम लोग दोनों बता देते हैं, अच्छा ठीक ठीक ठीक। जब उन्होंने अपना राजधानी बदला जी, तो उसको इसको अपना राजधानी चुना क्योंकि आगरे में पानी की कमी थी, अच्छा आगरे में पानी खारा था, हाँ, गर्मी हाँ, ज्यादा तो पड़ती थी, उन्होंने हाँ, अपना राजधानी बदला, अच्छा और इसको बनाया हिस्टोरियन अच्छा, के हिसाब से 9 साल 3 महीने में जी। और जो पुरातत्व विभाग है वो दूसरी कहानी बताता है, अच्छा तो यहाँ पुरानी बिल्डिंगें थी पहले वाली, उसको मॉडिफाइड किया गया जी। तो ये अगर आप हिस्ट्री सुनोगे ना पूरा मुगलों जी, का जी, तो बाबर की जो मदर थी वो मंगोलियन थी, मंगोलियन, वो मंगोलियन है चाइना की दीवार के बगल में, मंगोलिया अच्छा, अच्छा, बुद्धिस्ट अच्छा, कंट्री थी, अच्छा तो इनके जो फादर थे वो उज्बेकिस्तान से थे, अच्छा, रसिया का पार्ट था पहले, हाँ, रसिया में था जी, जी, अभी सेपरेट हो गया, अच्छा तो मंगोल और उज्बेकिस्तान का मिश्रण है, इसलिए इनको मुगल या मंगोल बोला जाता है, अच्छा अच्छा, इसलिए इनको मुगल बोला जाता है। तो बाबर आए, उन्होंने इब्राहिम लोदी को हराया 1526 में यहाँ पे पानीपत में, हरियाणा में जी। और उसके बाद 4 साल इन्होंने राज किया, 1528 में वो बाबरी मस्जिद का डिस्प्यूट शुरू हुआ, अच्छा अच्छा, हाँ, जो उनके कमांडर थे मीर बाकी जी, उन्हें बोल दिया गया कि जहाँ पे कोई मंदिर नजर नहीं आना चाहिए, इन्होंने सब मंदिर तोड़ दिए गए जी जी। और मीर बाकी ने वो जो अयोध्या वाला मंदिर है राम मंदिर जी जी, उसी जगह बाबरी मस्जिद बनाई 1528 में, अच्छा उसका डिस्प्यूट चलता रहा 400-500 साल जी। और उसके बाद ये इनकी मौत होगी 1530 में आगरे में, अच्छा इनको वहीं दफना दिया गया, उसके कुछ साल के बाद इनकी बॉडी ले जाके अफगानिस्तान में काबुल में दफना दी गई, अच्छा बाबर अच्छा। की फिर इनके लड़के हुए हुमायूं, उनके उन्होंने 10 साल राज किया 1530 से 1540। अच्छा थोड़ा सा इसके बारे में बताइए, जैसे कि हुमायूं को एक बार शेर शाह सूरी ने हराया, और मैं आ रहा हूँ सर उसी पे मैं बता रहा हूँ, शेर शाह सूरी ने इनको हरा दिया। इसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि इनको मतलब बदनसीब बादशाह क्यों बोला जाता है। सर मैं बता रहा हूँ, आप सुनते रहिए उसको कहानी जी। बिल्कुल 1530 से 1540 जी जी ये हुमायूं ने राज किया जी। 1540 में शेर शाह सूरी आए, जिनको शेर खान भी बोलते हैं जी। इन्होंने चौसा की लड़ाई में कन्नौज एरिया कानपुर के पास यूपी में, वहाँ इनको हरा दिया जी। ये अपना बीबी बच्चा छोड़ के भाग गए ईरान, अच्छा इनकी सब रिश्तेदारी ईरान में थी, अच्छा अच्छा अच्छा। 1540 से 1555 वहीं रहे जी। और इनकी जो बेगम थी वो बीरमल, अमरकोट है पाकिस्तान में जी, उनके यहाँ रही, जो अकबर है वो 1542 में उनके यहाँ पैदा हुए, अच्छा आप समझ रहे हैं, अकबर उनके यहाँ पैदा हुए बीरमल के यहाँ, बीरमल के यहाँ, अच्छा, जो अमरकोट में जी जी। 1542 में 1542 में 1540 से 1555 हुमायूं ईरान में रहे, साफ ईरान इनके रिश्तेदार थे, अच्छा अच्छा। 1555 में दोबारा लौट के आए यहाँ, इन्होंने कोई बिल्डिंग विल्डिंग नहीं बनाया, अच्छा ये पुराने किले में रहते थे इंद्रप्रस्थ में, इंद्रप्रस्थ में पांडव किला जिसको बोलते हैं। 1555 में आए, 1556 में अपना लाइब्रेरी से आ रहे थे, जा रहे थे जो भी समझ लो, लाइब्रेरी मतलब वही किले में जो लाइब्रेरी हाँ, इंद्रप्रस्थ में। और बारिश हो रही थी, झुनझुन टाइप बारिश, अच्छा अच्छा। और इनका पैर फिसला, गिर गए सीढ़ी पे, इनके सिर में माथे में चोट लगी हुमायूं के। 4 रोज कोमा में रहे, वहीं अच्छा। मर गए, वहीं दफना दिया गया इनको पुराने किले में, अच्छा अच्छा। उसके 15 साल के बाद इनकी जो बेगम थी हमीदा बानो बेगम, हाजी बेगम, बेगम 9 बेगमें थी इनकी ऑब्वियसली, उन्होंने फिर हुमायूं टूम बनाया 1572 में, 1572 में हाँ, वो ताजमहल से 100 साल पहले बनाया गया, तो ताजमहल अच्छा, को अच्छा। बोलते हैं उसकी रिप्लिका है, जैसे कि पांडवों की भी राजधानी ये रही है जी जी जी, और मुगलों की भी राजधानी ये रही है जी, और अब भी भारत की राजधानी यही है यही है सही बात जी।
क्यों दिल्ली है एक तरह से सेंटर में आ जाता है ये दिल्ली अच्छा, जो है, अच्छा। इसका एरिया जी जी और यहाँ पे जो नेबरिंग सिटीज हैं जी जो आसपास की सिटी है उनका इफेक्ट इसमें ज्यादा होता है। अच्छा, अच्छा। पहाड़ में अगर सर्दी होगी यहाँ थोड़ा सा ठंड हो जाएगी जी जी। राजस्थान में गर्मी होगी यहाँ हल्का सा गर्मी आ जाएगी। अच्छा अच्छा। तो ये बीच में सेंटर आ गया दिल्ली का, तो मतलब टेम्परेचर इसका ठीक ठाक रहता है। ठीक। बाबर हुमायूं हो गए जी, उसके बाद इनके लड़के थे अकबर। अच्छा, जब इनकी मौत होगी 1556 में अकबर को 13 साल की उम्र में शहंशाह बना दिया गया जी। दिल्ली और अपना आगरा और फतेहपुर सीकरी। अच्छा अच्छा। फतेहपुर सीकरी इन्होंने छोड़ दी क्योंकि तो वहाँ पे पानी की कमी थी और सूखा पड़ता था जी जी वहाँ फतेहपुर सीकरी में, तो उसको घोष सिटी बोलते हैं। अच्छा अच्छा ठीक।